बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव कार्यक्रम चल रहे हैं। फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन पूरा हो चुका, दूसरे फेज का अंतिम तारीख है। अब तो सभी लोगों को सिंबल मिलना भी शुरू हो गया है। तो चार पद पर ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे, दो पद पर बैलेट पेपर के माध्यम से सरपंच और पंच का जो चुनाव प्रक्रिया बनाई जाए, इसलिए बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, इसकी पूरी प्रयास की जा रही है सरकार की। राज्य निर्वाचन आयोग इसको पूरी तरह देख रहा है कि कहाँ बाढ़ की स्थिति और कहाँ कोरोना की स्थिति बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया। एक सवाल है कि पिछले छह दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, ऐसे में जो आम लोग हैं पटना में काफी दिक्कत हो रहा है, पूरे रोड पे कचरा आ चुका है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह आंदोलन हो रहा है पटना में, और जो सफाई कर्मी है वो अपनी मांगों को लेकर सरकार जो नगर आयुक्त है उनके यहाँ अपने आवेदन दिए हुए हैं, इसकी सुनवाई चल रही है, प्रोसेस है। पटना में कचरा के लिए सरकार लगातार कार्रवाई करती रही है, और 2014-15 में आपको याद होगा इसी कचरा के प्रबंधन के लिए एक IAS ऑफिसर की सस्पेंशन भी है। यदि काम नहीं हो गया तो सरकार कार्रवाई करे, अभी तो एक तरह से सुनवाई चल रही है, सुनवाई यदि पूर्ण होगी और तब यदि कचरा का प्रबंधन नहीं होगा तो पूरी तरह कार्रवाई होगी, इसमें कहीं तो हम तो गांव की ओर कार्रवाई करने जा रहे हैं, गांव में कचरा का प्रबंधन शुरू कर रहे हैं। गांव में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के गांव में भी अगले फेज में जब पंचायती राज चुनाव खत्म होंगे तो दो बड़े काम हम लोग शुरुआत करेंगे, एक कचरा प्रबंधन का काम और दूसरा स्ट्रीट लाइट गांव-गांव पहुंचाने का काम शुरू किया। राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो जिस तरीके का तेवर कुछ समय में तेजप्रताप यादव का देखने को मिला, उन्होंने एक संगठन बनाया था और अब उस संगठन को राजद ने अपना नाम निकाल दिया। राजद क्या करता नहीं करता वो अंदरूनी मामला है, राष्ट्रीय जनता दल में हिस्सेदारी की लड़ाई और हिस्सेदारी मांग रहा है, तब सबकी अपनी अपनी चिंता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को मेरा सलाह यही है कि जनता की चिंता करें, बिहार में कोरोना की लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल नहीं दिखा, बाढ़ में नहीं दिखा, बिहार की समस्याओं में बिहार में कभी भी राष्ट्रीय जनता दल नहीं दिखता है,